आखिर आखिर क्या आप जानते हैं कि सार जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी है, लेकिन क्या आपको मालूम है इसे इंटरनेट सवार पसंद है? जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने एक बार अपने नाई पर अपने बाल बेचने के लिए मुकदमा करने की धमकी दी थी? जी हाँ दोस्तों, और आखिर क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान विंस्टन चर्चिल को एक कार ने टक्कर मार दी थी और लगभग वह मारे ही गए थे? क्या आप जानते हैं सार्क को इंटरनेट का स्वाद पसंद है? जी हाँ दोस्तों, यदि सार्क के हमले से आपको घबराहट होती है, आप और गूगल के लोग अकेले नहीं हैं। 1987 में द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया कि सार्क ने नए फाइबर ऑप्टिकल केबलों के लिए एक अकथनीय स्वाद दिखाया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान को जोड़ने वाले समुद्र तल के साथ फंसे हुए हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान विंस्टन चर्चिल को एक कार ने टक्कर मार दी थी और लगभग वह मारे ही गए थे? एक सर्वे अमेरिकी स्कॉलर की बात करें, दिसंबर 1901 में अमेरिका में एक व्याख्यान दौरे के दौरान विंस्टन चर्चिल को फिफ्थ एवेन्यू पार करते समय एक कार ने टक्कर मार दी थी और लगभग मारे ही गए थे। गनीमत रही कि वह हादसे में बाल बाल बच गए। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि डॉट वाटर सूट की प्रतिकृति बनाने में 18.3 मिलियन डॉलर खर्च हो गए? जी हाँ दोस्तों, 18.3 मिलियन डॉलर। जरूर एक सटीक डॉट वाटर प्रतिकृति एक भयानक हेलोवीन पोशाक बनाएगी, लेकिन यह शायद थोड़ा अधिक बजट है। टाइम के अनुसार कुख्यात काले सूट की वास्तविक जीवन की प्रतिकृति बनाने के लिए औसत व्यक्ति को 18.3 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जिसमें एक आवाज संशोधक, स्वास्थ्य उपकरण, कृत्रिम अंग और एक संवर्धित वास्तविकता फिल्टर शामिल है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने एक बार अपने नाई पर ही अपने बाल बेचने के लिए मुकदमा करने की धमकी दी थी? जी हां दोस्तों, 2005 में नील आर्मस्ट्रांग ने एक बार अपने पूर्व नाई को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसने अंतरिक्ष यात्री के बालों का एक ताला बेचकर $3,000 कमाए थे। नाई ने धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया और 2016 में बाल और नाई की कंघी और कैंची दोनों बेचकर 38। नंबर 5, क्या आप जानते हैं स्टेंट अंग्रेजी भाषा का एक स्वर वर्ण वाला सबसे लंबा शब्द है? जी हाँ दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार स्टेंट अंग्रेजी भाषा का सबसे लंबा शब्द है जिसमें एक स्वर है। इस शब्द में 9 अक्षर है जिनमें से 8 व्यंजन है। दैट्स ऑल, थैंक यू।